नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकम टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो बहुत बड़ा अपडेट आया है टिकटॉक को लेकर, वो आपको देने वाला हूँ कि टिकटॉक एप्लीकेशन वापस आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक पूरे देखना। और ये पसंद आए अगर आपको ये वीडियो, तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन किए गए हैं, जिसमें टिकटॉक भी है। दोस्तों, वाद विवाद था इंडिया चाइना का, और जिसमें टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज एप्लीकेशन और लपेट में आ गए और सारे के सारे बैन हो गए। टिकटॉक को बैन होने के बाद टिकटॉक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया और वहाँ पर बताया कि हम जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो बैन हो गया है, और साथ साथ में ये भी मेंशन किया कि हम इंडियन यूज़र का डाटा किसी भी कंट्री को नहीं सेंड करते हैं, ना ही हम लीक करते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, और टिकटॉक के हाथों और भी जो चाइनीज एप्लीकेशन है उनको एक 79 क्वेश्चन की लिस्ट भेज दी, और उन्होंने कहा कि इन 79 क्वेश्चन का आप हमें आंसर कीजिए, अगर हम कन्वेंस होते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वापस अनबैन कर दिया जाएगा और उसे प्ले स्टोर पर ला दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकटॉक बुरा फंस गया है, और जो ये जो आंसर हैं उन्हें 22 जुलाई तक देने हैं। अगर 22 जुलाई तक ये आंसर नहीं कर पाते हैं 79 क्वेश्चन का, तो इसके बाद ये टिकटॉक एप्लीकेशन और बाकी जो अदर एप्लीकेशन हैं वो परमानेंटली बैन हो जाएंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी बैन है। अगर आप इस समय अगर यहाँ पर गूगल पर जाते हो और वहाँ पर लिखते हो टिकटॉक, तो टिकटॉक एप्लीकेशन आपको दिखेगा, और वहाँ पर जब टैप करते हो तो प्ले स्टोर में भी खुल के आ जाएगा और वहाँ पर टिकटॉक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इंडिया में बैन है, अदर कंट्री में अभी भी टिकटॉक चल रहा है, और वहाँ पर अगर प्ले स्टोर है तो वहाँ पर लोग डाउनलोड कर सकें, इसलिए यहाँ पर टिकटॉक को प्ले स्टोर पर वापस दे दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इसके सर्वर को डाउन किया गया है, जिससे यहाँ पर कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड भी कर लोगे तो चला नहीं पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। तो यहाँ पर द हिंदू.com में न्यूज़पेपर है, जो काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर है। यहाँ पर एक पोस्ट डाली गई है टिकटॉक के जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, और यहाँ पर लिखा गया है टिकटॉक कुड ऑपरेट एज अमेरिकन कंपनी से वाइट हाउस ऑफिशियल। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है और जो उसकी कंपनी है वाइट डांस, ठीक है, तो वाइट डांस को वो चाइना से शिफ्ट करके अमेरिका में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी है अमेरिका में ला रहे हैं, क्योंकि चाइना से बात विवाद है, अमेरिका से इंडिया का कोई बात विवाद अभी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो कंपनी थी वाइट डांस, उसे अमेरिका में ला के शिफ्ट कर रहे हैं और यहीं से ऑपरेट करेंगे, और पूरे सर्वर को यहाँ पर अमेरिका से ही ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि जो सरकार का शक है तो वो दूर हो जाए। तो टिकटॉक कंपनी भी काफ़ी नुकसान में जा रही है, और लाखों करोड़ों का नुकसान इस समय हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कदम उठाया कि जो कंपनी है उसे अमेरिका में लाया जाए और वहीं पर उसके सर्वर को रखा जाए और वहीं से ऑपरेट किया जाए। अब दोस्तों, बात ये आती है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है और बाकी अदर एप्लीकेशन है वो आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, 22 जुलाई को ये फाइनल हो जाएगा कि टिकटॉक एप्लीकेशन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मैं किसी ऐप का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कदम टिकटॉक ने उठाए हैं कि अपने सर्वर को और अपनी पूरी कंपनी को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो कारण यही हो सकता है कि वो यहाँ पर इंडिया में फिर से टिकटॉक एप्लीकेशन को अनबैन करवाना चाहते हैं, इसीलिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हो सकता है 95% चांस हैं कि टिकटॉक एप्लीकेशन वापस आ सकता है। तो दोस्तों, हमें वेट करना होगा 22 जुलाई का, और यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि टिकटॉक एप्लीकेशन वापस आएगा या नहीं आएगा। आपकी क्या राय है, टिकटॉक एप्लीकेशन को लेकर वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। यही अपडेट थी, और आगे भी अपडेट देता रहूँगा, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है टिकटॉक से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।